हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आप लोगों को डिफ्यूज प्रोलीफेरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। DPGN इज अ टर्म यूज द डिस्क्राइब डिस्टिंग हिस्टोरिकल फ्रॉम द ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कॉमन टू वेरियस टाइप ऑफ सिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी डिसीज इंक्लूडिंग ऑटोइम्यून डिसऑर्डर सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमाटोसस SEL एंड वैसकुलाइटिस सिंड्रोम्स एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड पॉलीनेफ्राइटिस एंड ग्रैनुलोमेटोसिस विद द पेलोनजाइटिस की भी कंपेन अपेयर हो जाता है। DPGN एक तरह किडनी डिसऑर्डर है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस किडनीज की जो ग्लोमेरुलर ट्यूब्स होती हैं, सेल्स होती हैं, उनमें इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाती है, उसको कहते हैं। कॉजेज ऑफ DPGN बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस, मेन जो इन्फेक्शन है बैक्टीरियल है वो स्ट्रेप्टोकोकस है, वायरल सेप्सिस, रीनल डिसीजेस, अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन एंड अदर सिस्टमेटिक डिसीज। इनके साइनिंग सिम्टम्स क्या हैं DPGN के, डिपेंडिंग ऑन कॉजेस साइनिंग सिम्टम, बट सम साइनिंग सिम्टम इज देयर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल, स्वेलिंग इन द एनीवेयर इन बॉडी, पेन, वीकनेस, वाटर रिटेंशन, रेडनेस, ईचिंग, बर्निंग, यूरिनेटिंग बर्निंग, यूरिन फुल स्मेल, वॉमिटिंग, नोशिया, क्रैम्पिंग इन लोअर एब्डोमेन, ये साइनिंग सिम्टम होते हैं DPGN के। और भी साइनिंग सिम्टम होते हैं बिकॉज डिपेंडिंग ऑन कॉजेज, जिसके कारण से हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा जिस कंप्लेन से अपेयर हो उसके साइनिंग सिम्टम अपेयर हो जाते हैं बॉडी में। DPGN के होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले, डिस्क्लोज करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दें, क्योंकि ये कॉमन मेडिसिन है, आप इन्हें, ये सिर्फ साइनिंग सिम्टम भी हाफ ट्रीटमेंट है, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये 60-70% रिलीफ करती है, सेम टू सेम है, सिमिलर टी डिसीज है। इनकेस आपको अदर कोई किडनी डिसीज़ या अदर सिस्टमेटिक हेल्थ इश्यूज़ है साथ में, तो आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि आप कंप्लीट क्योर हो सकें। डाइट इंस्ट्रक्शन में पिकल्स अवॉइड करना है, एक्सेस टू सॉल्ट शुगर अवॉइड करना है, जब भी ये मेडिसिन होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करेंगे तो। इनके होम्योपैथी मेडिसिन फर्स्ट है मदर टिंचर बर्बेरिस वल्गेरिस 20 ड्रॉप 3 times a day फॉर 16 weeks के लिए यूज़ करना है। 20 ड्रॉप्स मॉर्निंग लिक्विम वाटर हाफ कप में, एम्प्टी स्टमक बिफोर लंच एंड आफ्टर फूड। सेकेंड मेडिसिन है बेलाडोना 200 2 times a day फॉर 16 weeks के लिए यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग 4 pills एम्प्टी स्टमक एंड 4 pills नाइट आफ्टर फूड। ये दो मेडिसिन है, दोनों मेडिसिन साथ में यूज़ करनी है। बेलाडोना और बल्बेरिस वल्गेरिस दोनों इफेक्टिव मेडिसिन हैं। जो भी आपको जब मैंने साइनिंग सिम्टम्स बताए हैं या इन्फेक्शन कॉजेज बताए हैं, ये उनको ट्रीट करती है, तो ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। DPGN से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।